यानी कहा जा सकता है कि इस सीट पर एक बार फिर से पूरे देश की नजर रहेगी और प्रदेश की नजर तो रहेगी कि आखिर दोनों ही पार्टियां किसको टिकट यहां पर देती हैं और उसके पीछे का पैरामीटर क्या रहता है। लेकिन एक और मुद्दा राम मंदिर एक बार फिर से अगर माने लगा है और राम मंदिर की बात अगर की जाए तो अपनों से ही बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा दाव खेला है। केंद्र सरकार ने अयोध्या राम मंदिर विवाद के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उस हिस्से को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की बात कही है, जो साल 2010 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों के निशाने पर आई मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि अयोध्या में जो विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों को जमीन दी गई है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने आधा काम किया है। मेरा आधा काम हो गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये जो जमीन था इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था, अनडिस्प्यूटेड है, इसको किसी प्रकार से भी उपयोग हो सकता है, स्वाधीन है मालिक। अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर जाने की वजह से सुनवाई टल गई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अयोध्या में हिंदू पक्षकारों को जो हिस्सा दिया गया है वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए, जबकि 2.77 एकड़ भूमि का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लौटा दिया जाए। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास है। इसमें से 2.77 एकड़ की जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस पर भूमि विवाद है वो जमीन 0.313 एकड़ ही है। सरकार का कहना है कि जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाए जिस पर विवाद नहीं है, मगर सरकार के इस कदम पर मुस्लिम पक्षकारों की राय को भी जानना जरूरी है। ये सब बातें तो प्रैक्टिकल नहीं मुझे लगती हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट भी जानती है कि कल्याण सिंह को अगर सजा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करने के लिए तो योगी को भी हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट या कोई अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। हमारे बाबरी मस्जिद की जमीन का जो है मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट में है। मस्जिद को छोड़ करके जो भी जमीनें हैं वो सरकार के पहले से कब्जे में है, सरकार के पहले से ही कब्जे में है। वो जमीनें बहुत से लोगों के साथ में अधिग्रहित किया गया है। वो जमीनें कुछ कुछ कब्रिस्तान की हैं, कुछ मस्जिद की हैं, कुछ मंदिर की हैं, और कुछ जो है खेत की भूमि है, सरकार ने पहले से कब्जे में किया है। जहां हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में है, जब कोर्ट फैसला करेगा मंदिर मस्जिद का तो देखा जाएगा। और बाकी जमीनें जो भी हैं अगर सरकार किसी को दे रही है तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। इससे पहले साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में जमीन के हिस्से को 3 हिस्सों में बांट दिया था। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या विवाद को लेकर फैसला सुनाया था। जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस यू खान, जस्टिस डीवी शर्मा की बेंच ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। जिस जमीन पर रामलला विराजमान है उसे हिंदू महासभा, दूसरे हिस्से को निर्मोही अखाड़े को और तीसरे हिस्से को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों के द्वारा लगातार मोदी सरकार पर मंदिर निर्माण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के अंदर से भी राम मंदिर निर्माण को लेकर आवाज लगातार उठ रही है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी की ये अर्जी मास्टर स्ट्रोक का काम कर सकती है, लेकिन फिर भी फैसला तो अभी कोर्ट को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।